रोज रोज यूँ आना जाना एक साथ अच्छा नहीं लगता। अगर लोग बातें करते हैं तो करने दो नहीं ये बात। कल को जब हमारी शादी होगी तो। नहीं होगी शादी, हमारी शादी नहीं होगी। अगर मुझे पता होता कि हमायूं तुम्हारे अब्बू हैं तो मैं कभी उनसे शादी नहीं करती। और तुम्हारे बारे में अगर मुझे सब कुछ पहले से पता होता तो मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम ही होते सैदी। Shut up! Just shut up! अब पता नहीं चाय का दाग जाएगा भी कि नहीं। मेरा नया सूट तबाह कर दिया। भला बताओ इस लड़की को मैं किस वक्त कोई अदाय दिखा के मोम करूं? इसका तो दिमाग ही सातवें आसमान से नीचे ही नहीं आ रहा। क्या बात है सुंदस, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे। सच छुपाओगी मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है जुहेब, पता नहीं कि तुम्हारी हमदर्दी को मैं प्यार समझ बैठी थी। अच्छा, अरे आहिस्ता आहिस्ता प्यार भी हो जाएगा। बेवकूफ हूं ना मैं भी, मेरा हक ही क्या है? तुम्हारे और मेरे स्टेटस में तो जमीन आसमान का फर्क है। हर वक्त तो तुम्हारे सामने हाथ फैलाती रहती हूँ। देखो सुंदस, तुम अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार क्यों करती हो? मैं ये सब कुछ दोस्ती के नाते कर रहा हूँ। तो फिर एक और एहसान कर दो। बोलो। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढने में मेरी मदद कर दो। मैं सारा वक्त इस तरह तैयार होकर दुनिया में घूमना नहीं चाहती। किसी अच्छे एटमोसफेयर में, अच्छे लोगों में, अच्छे माहौल में काम करना चाहती हूँ। किसी डिसेंट बॉस के साथ जो मुझ पर कोई गलत नजर ना रखे। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं जुहेब, अच्छी नौकरी मिलने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, तब तक इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो फिर एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारी किसी अच्छी जगह जॉब नहीं लग जाती तब तक तुम्हारे सारे इस घर के खराजात मैं उठाऊंगा। Now happy? सच? पक्का? सेबी, एक बात करनी है तुमसे, अगर तुम नाराज ना हो। आपको लगता है मैं आपकी किसी बात से नाराज हो सकती? मैंने एक्चुअली उसी लड़की के बारे में बात करनी है जिसका नाम भी सुनना तुम पसंद नहीं करते। तो क्या जरूरी है आप सुबह सुबह उसके बारे में बात करें? अब तो अदा से तुम्हारा सामना भी हो चुका है, तुम जान चुके हो शादी के बारे में। क्या बेहतर नहीं है कि हम नाश्ते पर, डिनर पर उसे अपने साथियां बुला लिया करें? नहीं, अगर ऐसा होगा तो मैं खाने के टेबल पर नहीं आऊंगा। प्लीज सेवी, देखो बेटा अच्छा नहीं लगता कि अब इस तरह अपने कमरे में बंद रहे, वहीं खाए पिए। मामा वाकई अब मेरा मूड खराब करिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो इस घर में एक बहुत बड़े रिश्ते के तहत रह रहे हैं। अच्छा नहीं लगता कि हम अपना एटीट्यूड इस तरह का रखें उसके साथ। तो ठीक, आप बिठा लें उसको अपने सर पे, मगर मैं ये सब नहीं कर सकता। कल वो खास कर तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करके गई है कि तुम उसके साथ अपना रवैया बेहतर कर लो। क्या हो क्या गया? आप क्यों मदर टेरेसा बनने की कोशिश कर रही? आई एम सरप्राइज कि आप अपनी सौतन के लिए मुझे कन्विंस करें। मामा आपको तो इस इशू पर मेरा साथ देना चाहिए ताकि हम मिलकर उसको इस घर से बाहर निकाल सकें। मैं बता रहा हूँ मामा, इसको सिर्फ मौका मिलने की देर है, ये हमें धोखा दे के जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, ये हमें डिच करने में टाइम नहीं लगाएगी। बाबा, आज दाल चावल पका लें? अरे दाल चावल क्यों बेटा,
मैं चिकन ले आता हूँ ना, वो चिकन के कबाब बना लेना, वो बहुत मजे के होते हैं। बाबा, हमें घर के खर्च को कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह अगर हम रोज रोज चिकन खाएंगे तो पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्यों भाई, वो जुहेब मियाँ 5,000 रुपए देकर गए हैं ना। अगर हमने हाथ रोक कर खर्च नहीं किए पैसे तो 5,000 दो दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर हम कहाँ हाथ फैलाते फिरेंगे। अरे बेटा, जब वो खुशी से देकर जा रहा है तो तुम क्यों गिल्टी महसूस कर रही हो? हमने मांगे तो नहीं ना, उसने अपनी मर्जी से दिए हैं। बाबा, मांगता नहीं है लेकिन जताता तो जरूर है। पहले दोस्ती का लफ्ज इस्तेमाल करता था, आज हमदर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया। ऐसे तो बाबा हम उसकी नजरों में गिरते जाएंगे और भिखारी हो जाएंगे। देखो मेरा बच्चा, जुहेब हमसे ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी कर सकता है या दोस्ती, जमीन कभी भी आसमान के बराबर नहीं आ सकती। अगर तुम ये समझती हो कि एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा तो आजकल के जमाने में ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? सेवी को भी तो मुनीजा से प्यार हो गया। मैं तो मान ही नहीं सकता बेटा, सेवी बनिए का बेटा है और बनिए का बेटा जब भी गिरता है ना कुछ देख कर ही गिरता है। तुम देख लेना, यकीनन उस लड़की में कोई ना कोई खूबी होगी जो आगे जाके उसको बहुत फायदा देगी। आप कहना क्या चाहते हैं? जो मैं समझा रहा हूँ ना, वो समझने की कोशिश करो और जो मैं सोच रहा हूँ वही सोचने की कोशिश करो। शाबाश। बात सुनो, चिकन के कबाब ही बनाना आज। काश ये कार्ड पढ़कर सहवी को अपना वो लव लेटर याद आ जाए। मुझे तो जितनी बातें आती सारी लिखती है। अब देखो, कि तुम सेवी के कमरे में क्या कर रही हो? जी वो मैं सॉरी का कार्ड रख नहीं थी बस। सॉरी? किस बात का सॉरी कर रही? जुर्म तो मुझे पता नहीं है लेकिन सॉरी कहने से मैं सेवी का रवैया अच्छा करना चाहती हूँ। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ अदा, बस बहुत हो गया। आप खुद बताएं, इस सारी सूरत हाल में मेरा क्या कसूर है? जब तुम गरीब लड़कियां अमीर घराने के मर्दों को घेरती हैं तब उनकी बीवियों का ख्याल नहीं आता तुम्हें, ये है तुम्हारा कसूर। खुद को लग्जरीज देने के लिए हम जैसी बेगमात का सुकून गर्क करती हैं। तुम जैसे गरीब लोग अपनी औकात भूलकर आसमानों पर उड़ना चाहते हो, क्या ये तुम्हारा कसूर नहीं है? बस करें, इतना जलील मत करें। अरे तुमने तो काम ही सारे जलील होने वाले किए। अब जब मेरा बेटा रिएक्ट कर रहा है तो अब तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो? क्या चाहती हो? बाप के बाद बेटे को मरगलाना चाहती हो? बस करें फौजिया साहिबा। आवाज नीचे करो, इस घर में अपना असर और सोख बढ़ाने की कोशिश मत करो। जाकर अपने कमरे में पड़ी रहो, जब मेरा शौहर आएगा तो फिर तुम्हारा फैसला किया जाएगा। जाओ अपने कमरे में। आज शाम तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे एहसानों का बदला उतारने का एक रास्ता नजर आया है मुझे। रास्ता निकाला है? कैसा रास्ता? तुम मुझसे निकाह कर लो। What? You mean निकाह? So sweet of you. तो तुम इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी कि यहाँ पे ये फूल और कार्ड रख के मुझे सरप्राइज कर सके। Thank you.
सुन दिस। मैं आज शाम तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरे लेकिन अभी सुबह ही तो मुलाकात हुई हमारी। क्या एक दिन में दो बार मिलना आप पसंद नहीं करोगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो यूनिवर्सिटी से आते वक्त तुम्हारे घर से होता जाऊंगा। नहीं घर पर नहीं, मैं तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारे एहसानों का बदला उतारने का एक रास्ता नजर आया मुझे। अरे बाबा मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। लेकिन अगर फिर भी तुम गिल्टी फील कर रही हो तो जब जॉब मिल जाएगी ना तो सारे पैसे लौटा देना। एक और भी बात हो सकती है जोहे। वो क्या? अच्छा मिलोगे तो बताऊंगी। चलो शाम को मुलाकात करते हैं। बाय। जी सर 5 बज रहे हैं। अगर कोई काम ना हो तो मैं जा सकती हूँ? क्या कहा तुमने मनीषा? अगर कोई काम ना हो तो मैं घर जाऊँ? नहीं, इससे पहले क्या कहा तुमने? 5 बज रहे हैं। नहीं, इन दोनों के बीच में तुमने कुछ कहा सर कह के मुखातिब किया। क्यों दूर होती जा रही हो तुम? चढ़ने लगा हूँ मैं, सख्त उलझन होने लगी है मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर से। मैं घर जा रही हूँ। मनीषा, तेरा इश्क जुदा था, मेरा इश्क जुदा। जी तो क्या कहना चाह रही थी आप? जुहेब, मैं दिन ब दिन तुम्हारे एहसानात के तले दबी जा रही हूँ। देखो अब अगर तुमने दोबारा ये एहसान नाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा। देखो जुहेब, माना कि तुम आसमान हो मैं ज़मीन, माना कि मैं स्टेटस में तुम्हारे बराबर नहीं, मगर दिल ये बातें नहीं समझता, मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर समझने लगी हूँ। अरे मेरे छोटे से एक लफ्ज़ को तुमने दिल पर ले लिया? ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रीली घूमना फिरना चाहती हूँ, बेतकल्लुफी से तुम्हारे साथ हंसना बोलना चाहती हूँ। तो रोका किसने तुम्हें? सुहेब, मैं तुम्हारे आगे मजीद हाथ नहीं फैलाना चाहती और मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूर हूँ। अच्छा फिर? मैंने इसका एक रास्ता निकाला है, इसके बाद अगर तुम मेरे एक्सपेंसेस भी उठाओगे ना तो मैं गिल्टी नहीं फील करूँगी। रास्ता निकाला है? कैसा रास्ता? तुम मुझसे निकाह कर लो। What? निकाह? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बाजार से तुम्हें कोई चीज दिला दूं मैं। तुम गलत समझ रहे हो, मैं निकाह करने का कह रही हूँ, शादी करने के लिए नहीं कह रही। अरे तुम निकाह में और शादी में फर्क क्या है? जिस तरह मैं निकाह करने को कह रही हूँ इस तरह बहुत फर्क पड़ता है। मतलब? मतलब ये कि तुम जहाँ चाहो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर सकते हो, मेरा और तुम्हारा निकाह सिर्फ एक सीक्रेट रहेगा और इसके बाद मोहल्ले वालों को और बाबा को कोई एतराज नहीं होगा कि अगर तुम रात में मेरी तरफ रहते भी हो तो। और सच बोलूं तो मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते को एक लीगल नाम देना चाहती हूँ, कोई पहचान देना चाहती हूँ। मगर सुंदस, मैं तो तुमसे कोई बदला नहीं मांग रहा। चंद दिन गुजरेंगे और फिर ये मोहल्ले वाले बातें बनाना शुरू कर देंगे तुम्हारे मेरे घर आने जाने पर, और फिर वो बातें बाबा को चुभेंगी जिसके नतीजे में मुझे जॉब करने पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। देखो सुंदर, तुम्हें किसी गलत जगह जॉब करने पर कोई मजबूर नहीं करेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और रही बात निकाह की तो वो मैं तुम्हें सोच कर ही बताऊंगा। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ कि वो मेरा फोन ना उठाए या फिर मुझे कॉल बैक ना करे।
संदस को निकालने पर वो मुझसे इतना नाराज क्यों हो गई है? आखिर वजह क्या है? दो रोज गुजर चुके हैं, इतनी उखड़ी उखड़ी सी है। So sweet of you, Miss. तो तुम इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी कि यहाँ पे ये फूल और कार्ड रख के मुझे सरप्राइज कर सके? क्या बात है? तुम मेरी जिंदगी में क्या है सैबी? मौसम में बहार आ गया हो, जिंदगी के सारे अंधेरों में चिराग जल उठे। मैं मोहब्बत का मौसम ढूंढती फिर रही थी, तुम मिले तो एक मौसम ही मोहब्बत का नहीं, सारे मौसमों के सुराख मिल गए। अब जिंदगी बहार है क्योंकि मेरे सामने मेरा प्यार है। सारे वही अल्फाज रिपीट किए जो मैंने उस खत में लिखे थे। छोटे साहब चाय। खैरदीन मेरा एक काम कीजिए, अदा बीबी के कमरे में जाइए और उन्हें कहिए कि सेवी साहब आपका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं। जी सर।